अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। और आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और अभी मैं फ़िलहाल खेतों में खड़ा हूँ गेहूँ के बाहर। थोड़ी सी ना ये पीछे गेहूँ है मेरे, ही चेक करें। और मैं साथ ही थोड़ा सा बाहर हूँ, तो मैं इधर क्यों खड़ा हूँ मैं आपको बताता हूँ। वो सामने मेरी लगी हुई है हार्वेस्ट मशीन, ये चेक करें, ये सामने लगी हुई है, ठीक है। सो अभी इन्होंने हमें दिया हुआ है टाइम थोड़ा सा, क्योंकि हमने अपनी जो सी है गंदम वो कटवानी है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो देखते हैं। अभी तो मैं खड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ इधर, देखते हैं क्या करते हैं फिर। क्योंकि हमने सारी जो सी अपनी गंदम है वो कटवा तो ली है, लेकिन हमारी तीन जो सी थी ना किनाल वो रह गई हुई है, वो बस कटवानी है। उस दिन हमने 5 एकड़ जो सी थी वो कटवा ली हुई है, और अब थोड़ी सी रह गई है वो कटवानी है, लेकिन किसी के पास भी टाइम नहीं है। और अभी जी यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, ये चेक करें। हमारे साथ अभी जी छम्मा सलीन और सीफ साहब ने ज्वाइन किया, ठीक है। बकाया उसके अलावा आप देख सकते हैं सामने सनसेट हो रहा है, दरख्तों पीछे वो चेक करें ये, और ये चेक करें नज़ारा। तो अभी जी मशीन वाले ने तो ना कर दिया, ठीक है। वो कहता मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने कहा चलो फिर कोई न्यू टॉपिक सोच लेते हैं। तो उतनी देर में हमारे साथ छम्मा सलीन और सीफ साहब ने ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है, कुछ दिखाते हैं आपको, अब कोई न्यू टॉपिक देखते हैं। वो देखो तूड़ी भी पड़ी हुई है। ओके अब उधर ही जा रहे हैं, ये पीछे चेक कर लें, ट्रैली ट्रैक्टर आ गया, जो कि आपने कभी नहीं आज तक देखा। तो मछली ये क्या कर रहे हो? ये पानी बहुत अच्छा है, ठंडा पानी है। तो आप इसके अंदर छलांग लगाओ ना, मैं इसके अंदर नहाओ। आप नहीं नहाना, नहीं हम पहुंच होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। पानी में डूब मरो। ये तो ये चेक करें गाइस कितना प्योर साफ पानी है, पी सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानवर। बकाया ये चेक कर सकते हैं, सनसेट हो रहा है, साथ हमारे गांव का व्यू चेक करें। ये रहा वो देखो उधर भी लगी हुई है, लोग काम कर रहे हैं पूरे टाइम। ठीक है भाई, भाई ठीक हो गया। तुहानू मैं दसना है यह नज़ारे तुहानू कितने नहीं लभने है, यह जी कच्चिया सड़क, यह जे टोए, यह जे टोए तुहानू कितने नहीं लभने है छेना। और खासकर ये चीज़ ये नहीं आपको मिलेगी, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ये चेक करेंगे आज सूरजमुखी है, जिसे सनफ्लावर कहते हैं इंग्लिश में, वो कहते हैं भाई। जी 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 बकाया ही आप चेक कर सकते हैं। अभी धूप चली गई है ना, तो इस वजह से इनका ना जो सा ये फेस है ना, ये फ्लावर का फेस इधर को हो गया, वरना ये दोपहर टाइम हम आते हैं ना, तो ये इसका ना सूरज की तरफ फेस होता। और ये चेक कर सकते हैं अभी आप, सूरज के साथ ही मूव करता है इनका फेस। हाँ सो गाइस अभी आपको ये सीप जो सा ना, ये बहुत ही चला गया कार्ड है, ये आपको डिटेल बताएगा इसकी, मैं इससे पूछता हूँ। जी सी भाई, हाय गाइस क्या हाल है, ठीक है। ये देखिए ये सूरजमुखी का खेत, इसमें अभी हमने आबपाशी की हुई है। ये देखिए 4 महीने के बाद तकरीबन इतना हुआ है, और ये इसका फ्लावर जो है ये सूरज के साथ ही मूव करता है, जहाँ को सूरज जाता है। लेकिन अब सूरज ग्रूव हो रहा है, इसीलिए ये अपनी वापसी जगह पे आ गया, जहाँ से सूरज उगना है, इसलिए उगना नहीं सूरज तुलू क्या है यार, तुम सूरज तुलू क्या है, वो भी कह सकते हैं उगता भी तो है ना। ठीक है मैं मानना, लेकिन भाई ना उगदी है सूरज नहीं उगदा, लेकिन भाई हो सकता है पुरानी मसाली ने दसो। ये बहुत अच्छा है भाई, बोल रहा है जी, ठीक है। आप भी उसके साथ मैच हो गए, इसमें 5.5 बनने हैं अभी भाई, चेक करें इतना प्यारा है, ये देखें। वाह जी वाह क्या बात, मेरा दिल कर रहा है इसको ना ऐसे पकड़ के ना, तो अपनी डीपी लगाने व्हाट्सएप में, क्या बात, ऐसी बात है ना जी। तो चलिए अब आगे बढ़, वैसे गाइस ये आप चेक कर सकते हैं, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी ना वहाँ तक ही सूरजमुखी लगी हुई है, यहाँ से भी और यहाँ से भी देखें कितनी कितनी ऊपर हो गई है, जहाँ तक लगाई हुई है अभी भी है 25 मरबे। और हमने इतना तो नहीं ना चलना, तो अब हम चलते हैं फिर गाँव की तरफ वापसी। कोई टेंशन नहीं लैनी है पढ़ा दी अपनी पैली, ठीक है। जो कोई लोड होए के खुली चाहिए खुली लैके जा सकते हो, ट्रालियां भर के तोड़ियां तोड़े तुम खड़ सकते हो, ठीक है। मैं फ्री ऑफर देने लोग ट्रक की बत्ती पीछे लगते हैं, हम ट्राली की बत्ती पीछे लगे हुए हैं, और जो ये डस्ट उड़ा रही है ना वो बेस पोर्टल लग रहा है, पूरा बेस पोर्टल नहीं चाहिए ला के भाई ने क्रीम करो। और गाइस ये रही मशीन अपनी हार्वेस्टर, अपनी नहीं लोगों की, और ये देखें साथ ही अपनी ये खेत है, ये चेक करें, इस खेत में हमने कटवानी है। और ये मेरे साथ फिर आ गया, दोनों कहते हैं हम आपकी हेल्प करवाते हैं, मैंने कहा बिस्मिल्लाह। ये देखें ये क्या हो रहा है,
अभी हम आ रहे थे, मेरे हाथ में ये रह गए, ये देखें इसकी तार टूट गई है, ये क्या करें, ये ऐसे आया, मैंने कहा ये क्या चीज़ है, देखा तो ये टूट गया, अब ये हम जाके सही करवाते हैं इसे पहले। भाई ये चेक करें, विदाउट क्लच के हम बाइक चला रहे हैं, ये चेक करें कितने आराम से चल रही है, क्या आप चला सकते हैं ऐसे। दुकान पे हम पहुंच चुके हैं, ये चेक करें और अभी ये सही करवाते हैं जल्दी से, ये खराब हो गई। भाई ये चेक करें, ठीक हो गया बिल्कुल, आगे तो उतर ही गया, चलिए जी भाई जान चलो चल। सो गाइस ठीक है, अभी मैं घर आ चुका हूँ, तो आज का लोग यहीं तक था और यही है हमारी रोज़ाना की रूटीन, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले मजीद व्लॉग में आपको कुछ न्यू ना न्यू चीज़ें हम बताएं, और वो मशीन वाला तो फिर देखने आपके सामने सामने वो जवाब दे गया, कहता है आज तो नहीं है टाइम लेकिन सुबह आपकी ज़रूर काट देगी, तो वो आपको आने वाले व्लॉग में मिल जाएगा पता, तो मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।